सो गाइज, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है व्हाट डू यू वांट टू डू। सो यहाँ पे आप बेसिकली थ्री टाइप या थ्री वेज से जो है आप अपडेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन के अंदर। फर्स्ट मेथड, आप डायरेक्टली यहाँ पे अपग्रेड फॉर दिस पीसी एंड नेक्स्ट करके आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपकी वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, आपका जो है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन या फिर 1909 ही होना चाहिए, तभी आपका लेटेस्ट के अंदर अपडेट होएगा। तो यहाँ पे ये 1909 OS है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना आपको, और ये यूज़ ये अनचेक कर देंगे यूज़ द रिकमेंड ऑप्शन को। तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइप की कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये विंडोज़ 10 एडिशन, और ये यहाँ पे बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं, 32 बिट और 64 बिट। तो यहाँ पे ये यूज़ टू रिकमेंड मीन्स आपके सिस्टम के बेस पे ये जो आपको वैसे रिकमेंड कर देगा, अदरवाइज आपके पास चॉइस आप बोथ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देना यहाँ पे ये USB फ्लैश ड्राइव। सो यहाँ पे आप जो डायरेक्टली बूटेबल पेन ड्राइव भी बना सकते हैं बिना किसी रूफस या और किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। उसके लिए जो आपका ये जो पेन ड्राइव है ना, ये फॉर्मेट होना चाहिए और 8 GB के आसपास का इसका स्पेस होना चाहिए। तो ये देखिए पेन ड्राइव जो है ये 8 GB के आसपास इसका स्पेस है और ये फॉर्मेट होना चाहिए, NTFC मोड के अंदर ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये USB फ्लैश ड्राइव से आप नेक्स्ट करके कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, आपको ISO फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इससे क्या होगा, ये आपकी लोकेशन मांगेगा। अब ये कह रहा है ये फाइल का जो ये नेम है आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं यही रहने दूंगा। तो इसको सेव कर देंगे हम। जैसे ही सेव करेंगे हमारी ISO फाइल सेव हो जाएगी। अब हम इसका क्या फ़ायदा होगा कि किसी और सिस्टम के अंदर हमें सेम OS को इंस्टॉल करना है, या फिर हमारी विंडोज़ जो है करप्ट हो गई है या और कुछ हो गया है, तो उसको बाद में भी हम यूज़ में ले सकते हैं। ये ISO फाइल बन जाएगी और रूफस की हेल्प से हम इसे बूटेबल बनाएंगे आगे। ये आपका अप्रोक्सीमेट 1 आवर या फिर 30 मिनट या फिर 5 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर सर्वर इंटरनेट कनेक्शन। सो गाइज, यहाँ पे हमारा OS जो है डाउनलोड हो चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद जो है हम इसकी अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। उसके लिए आपको चाहिएगा रूफस सॉफ्टवेयर। रूफस सॉफ्टवेयर आप जो है डायरेक्टली साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा आपका वर्जन रूफस का, तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं साथ में। सो हमने रूफस को डाउनलोड कर लिया है। अब हमारा रूफस यहाँ पे है, इसको कट कर लेंगे और हमारी ISO फाइल ये रही। तो इन दोनों को पेस्ट कर देंगे एक जगह पे। पेस्ट करने के बाद आपको ये जो बूटेबल बनानी है, बूटेबल के लिए आपको जो है आपका कोई भी पेन ड्राइव होगा उसको फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट आप किस फॉर्मेट में करेंगे, NTFS मोड के अंदर आप इसे फॉर्मेट कर लेंगे। तो मैंने फॉर्मेट कर रखी है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, येस पे क्लिक कर देना है। अब आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इंटरनेट को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर जो आपको ISO सिलेक्ट करना है सबसे पहले। सो आपने ISO सिलेक्ट कर लिया है। अब आप जो है GPT या MBR कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला मेथड आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन के अंदर जाके देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये BIOS मोड जो लिख रखा है, ये हमारा यहाँ पे पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करना आपको। ये अगर UEFI है तो यहाँ पे GPT सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप MBR सिलेक्ट करेंगे। और गाइज, सेकंड मेथड क्या है GPT सिलेक्ट करने के लिए, सेकंड मेथड ये है कि जब आपका PC रीस्टार्ट होएगा तो वहाँ पे आपका विंडोज़ की बजाय जिस भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है उसका लोगो आएगा। जैसे कि आपका डेल का लैपटॉप है तो डेल वगैरह का लोगो आएगा, और अगर आपका किसी कंपनी का मदरबोर्ड है तो कंपनी का वो जो है लोगो आएगा वहाँ पे। तो आप GPT सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपका विंडोज़ का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो आप जो है MBR के साथ जाएंगे ना कि GPT के साथ। तो मेरा GPT सिलेक्ट करूँगा क्योंकि UEFI मोड के अंदर है, और आपको कुछ नहीं छेड़ना, यही है आपका GPT MBR जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। अब आपने ISO सिलेक्ट कर ली, GPT सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद स्टार्ट कर देना है।
ये वार्निंग देगा कि आपका यूएसबी के अंदर कुछ भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आप जो है अपना डाटा कॉपी कर लेना फॉर्मेट से पहले। ओके सो गाइज, ये कुछ टाइम लेगा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंप्लीट हो जाएगा जब आपका यहाँ पे रेडी लिखा जाएगा। सो गाइज, हमारी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे हम ये स्टार्ट का बटन आ गया और ये क्लोज़ का, तो हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम अपने पीसी को रिस्टार्ट करेंगे और विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। सो गाइज, हम अब इसको रिस्टार्ट करेंगे पीसी को, हमारी बूटेबल रेडी हो चुकी है। तो आपका जो है रिस्टार्ट के बाद F2, F12, ESC या फिर डेल से बूट मेन्यू आएगा, मेरा F12 से आता है। सो गाइज, ये हमारा बूट मेन्यू आ गया है, ये मेरा F12 से है, आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर आपका UEFI है तो यहाँ पे स्टोरेज UEFI पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपका पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर UEFI में बनाए तो ये नीचे वाले पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। सो गाइज, हमने जैसे हमारी लैंग्वेज जो डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल नाउ। सो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की हो तो यहाँ पे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की अगर नहीं है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद ये आपसे वर्जन पूछ रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रो डालें। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, सो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, कस्टम, कस्टम के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना है, ये आपको फॉर्मेट करना है जिस भी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला जो पार्टीशन होता है वो सी ड्राइव होता है, और इससे पहले वाली ये जो छोटे छोटे ये जो है MBs के अंदर होते हैं, इनके अंदर इंस्टॉल नहीं करनी होती, ये रिजर्व होते हैं सिस्टम के अंदर। और आप जो है अगर आपका फर्स्ट टाइम आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब नई हार्ड ड्राइव है, तो आप जो है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पार्टीशन बना सकते हैं। पार्टीशन बनाने के लिए आपको 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1024 × 69, तो यहाँ पे 69 का आपका फोल्डर बन जाएगा, 69 GB का आपका पार्टीशन बन जाएगा। तो इस पे सिलेक्ट कर लेना आपको, और यहाँ पे नेक्स्ट। सो गाइज, यहाँ पे आपको अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करनी है, आप एडिशनल कीबोर्ड लेआउट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड लेआउट के अंदर ये पूछ रखी है, सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको वाईफाई रिक्वायर्ड होएगा। आई हैव नॉट इंटरनेट कनेक्शन, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। सो यहाँ पे आपको अपना नेम पेस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। सो गाइज, यहाँ पे अगर पासवर्ड फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। ये आपको अपने डिवाइस की एक्टिविटी हिस्ट्री, यहाँ पे नो, ये डिक्लाइन, आप अगर असिस्टेड चाहते हैं तो एक्सेप्ट, अदरवाइज डिक्लाइन। और ये आपके एक्स्ट्रा जो है लोकेशन डायग्नोज डाटा, सो आपको ये सभी डिसेबल कर देने वन बाय वन, एक्सेप्ट। सो गाइज, यहाँ पे जो आप इसके रैम यूसेज देख सकते हैं, तो CPU जो हमारा अकॉर्डिंग टू टास्क अप डाउन करता रहता है, पर हमारी रैम देखिए 1.8 GB यूज़ हो रही है, जब एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अभी इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। और ये SSD के ऊपर है, और रैम है 8 GB, तो हम रिबूट टाइम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रीस्टार्ट कर दिया हमने। सो गाइज, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये SSD के ऊपर रिबूट टाइम है, ही ना कि हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो SSD के अंदर बहुत ही कम रिबूट टाइम होता है, और
ये भी काफ़ी कम टाइम ले रही है ओएस। सो अभी मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ और गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको। Keep it.